टेंथ क्लास फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे, आपका जो टॉपिक था वो था गोली दर्पण। तो हमने पढ़ा था गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण संबंधित परिभाषाओं में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़े थे वो पढ़े थे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे वक्रता त्रिज्या। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े थे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़े थे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को फोकस भी कहते हैं, चाहे मुख्य फोकस कहें या फोकस कहें। और छठा पॉइंट हम लोग पढ़े थे फोकस दूरी, फोकस दूरी। और सातवां पॉइंट हम लोग पढ़े थे फोकस तल। आपको बताए थे कि ये सात परिभाषाएं आपको याद करना कंपलसरी है। जब आपको ये सात परिभाषाएं याद होंगी तो आप आसानी से जो है दर्पण संबंधी प्रतिबिंब का बनना आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दर्पण का मतलब क्या हुआ? दर्पण का अर्थ यही हुआ कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपको पता है कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा, आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक नई हेडिंग है आपकी, नई हेडिंग का नाम है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जिसको कहते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको बताए थे कि आपको अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तभी समझ में आएगा जब ये सात हेडिंग आपको याद करनी होगी। एक सातों हेडिंग जब आपको याद होगी तो ये प्रतिबिंब का बनना आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इससे पहले भी हम थोड़ा समझेंगे किरण आरेख, किरण आरेख कैसे खींचते हैं। तो किरण आरेख खींचने के मुख्य तीन नियम होते हैं, आप तभी आपको ये समझ में आएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आरेख तभी खींच पाएंगे जब आपको किरण आरेख खींचने के नियम पता होंगे। तो ये भी आपको याद करना है, लिखना नहीं है, केवल याद करना है कि किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, किरण आरेख खींचने के क्या नियम होते हैं। तो जो सबसे पहला नियम होता है कि यदि कोई आपतित किरण, यदि कोई आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी, कोई अगर आपतित किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाएगी। आपको पता है कि मुख्य फोकस को फोकस भी कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आरेख खींचने का ये पहला नियम, आरेख खींचने का पहला नियम क्या है कि अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाएगी। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। यदि कोई आपतित किरण, आपको पता है कि एक वक्रता केंद्र होता है जिसको हम सी से लिखते हैं, कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आएगी, वापस लौट आएगी। किरण आरेख खींचने का जो दूसरा नियम होता है क्या होता है कि अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये किरण आरेख खींचने का दूसरा नियम होता है। और इसी प्रकार जो तीसरा नियम बताया जाता है, किरण आरेख खींचने का जो तीसरा नियम बताया जाता है उसमें बताया जाता है कि अगर कोई आपतित किरण मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है, अगर कोई आपतित किरण जो है मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण आरेख खींचने का तीसरा नियम है। चित्र के अनुसार आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपतित किरण फोकस से होकर जा रही है, और जब फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसे जो है किरण आरेख खींचने का तीसरा नियम कहते हैं। तो इन्हीं तीन नियमों से हम पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें हम जो है हमको सबसे पहले जो समझना रहता है स्थान का नाम। स्थान का नाम मतलब किस स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है, कि अनंत और फोकस के मध्य बन रहा है, कि वक्रता केंद्र पर बन रहा है, किस स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्थान का नाम। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा। कैसा होगा मतलब उसकी प्रकृति क्या है, या तो वास्तविक होगा या तो आभासी होगा, ये दो ही प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, या तो वास्तविक या तो आभासी। तीसरा पॉइंट लिखते हैं या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है और या तो बराबर होता है। तीन ही पॉइंट होते हैं। और चौथा पॉइंट भी इसमें समझते हैं। चौथे पॉइंट में बताते हैं कि या तो उल्टा बनेगा और या तो सीधा बनेगा। तो ये चार चीज़ें इसमें लिखनी रहती है। सबसे पहली चीज़ जो लिखनी रहती है वो स्थान का नाम, मतलब किस स्थान पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज़ जो आपको लिखना रहता है कि वास्तविक बनेगा या तो आभासी, दो में से एक ही बनेगा, या तो वास्तविक बनेगा या आभासी, फिर सीधा बनेगा या तो उल्टा। तो आपको पता होना चाहिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा। ये भी नियम है कि अगर वास्तविक है तो उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा, और आभासी है तो सीधा, आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा। सीधा मतलब वस्तु से सीधा, और उल्टा मतलब वस्तु से उल्टा। सपोज दैट ये वस्तु ऐसे, इसकी डायरेक्शन है, तो अगर उल्टी डायरेक्शन है तो इसको हम कहेंगे उल्टा, और अगर वस्तु की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब की भी डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है तो इसको कहेंगे हम सीधा। तो इसमें चार चीज़ समझना रहता है। सबसे पहले स्थान का नाम कि किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरी चीज़ वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, और तीसरी चीज़ बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि बराबर बनेगा, और चौथी चीज़ उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। दो में से एक ही होगा, या तो उल्टा बनेगा या तो सीधा बनेगा। फिर आगे हम समझेंगे जो आपकी हेडिंग मेन थी। हेडिंग क्या थी? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें आपको मुख्य जो पॉइंट पढ़ने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु जो है अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति को कहते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में हो। अनंत तथा वक्रता केंद्र को हम सी से लिखते हैं, सी के मध्य में हो। तीसरी स्थिति हम पढ़ते हैं, वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा? वस्तु वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो। पांचवें पॉइंट क्या होगा? पांचवें पॉइंट पर फोकस पर होगा, एफ पर होगा, फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। और छठा पॉइंट में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य में,
मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य में, ध्रुव के मध्य में स्थित हो। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की गणना में आपको छह स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति क्या बताई कि वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति क्या बताए अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य में हो, तीसरी स्थिति बताए कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, चौथी स्थिति बताए कि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो, पांचवी स्थिति क्या बताए कि वस्तु मुख्य फोकस पर हो, और छठी स्थिति क्या बताए कि वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य में स्थित हो। ये आपको छः पॉइंट याद रखने हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें किरण आरेख भी बनाना पड़ता है। तो किरण आरेख के लिए आप पटरी और पेंसिल का प्रयोग करते हैं, आपके पास पटरी पेंसिल रबड़ सब होनी चाहिए, क्योंकि आरेख जो भी बनाए वो सीधा बनाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट बताए थे कि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, कहने का मतलब अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी। आरेख कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का नाम मान लिए कि M1 M2 हमारा कोई अवतल दर्पण है। इसको आप चित्र में आसानी से समझेंगे। दर्पण का नाम क्या है, दर्पण का नाम है M1 M2। इस दर्पण का ध्रुव P है, इस दर्पण का ध्रुव P है और फोकस F है। दर्पण का ध्रुव P है, अब फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। इसमें ये भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि वस्तु जो होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में होगी। तो मान लीजिए वस्तु का नाम AB है, वस्तु का नाम AB है। आप जानते हैं एक संबंध पढ़े F=R/2, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो भी दूरी होगी उससे दो गुनी दूरी हमको C रखना है। हम पटरी से नाप लेंगे, अगर फोकस हमारा 2 सेंटीमीटर पे है तो C हम जो है 4 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तभी आपका किरण आरेख पूरी तरह से सही आएगा। तो हमको पहली स्थिति जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वस्तु अनंत पर हो। तो क्या है नियम कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस तल पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तल। फोकस तल क्या है, फोकस तल की परिभाषा आपको बताए थे कि एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो आपको किरण आरेख खींचना बताया गया था, तो किरण आरेख खींचने के 3 नियम बताए थे, उसी नियम के अंतर्गत हम पहले आरेख खींचेंगे। तो एक किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जा रही है, आपको पता है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। आपको पता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आती है, दोनों परावर्तित किरणें, तो इस किरणों को हम कहेंगे परावर्तित किरणें। तो दोनों परावर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। हम प्रतिबिंब को कहेंगे A'B'। वस्तु का नाम हमारा AB है और प्रतिबिंब का नाम हमारा A'B' है। तो ये हो गया पूरा जो फिगर आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं किरण आरेख। यही चित्र बनाना हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो किरण जा रही है ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो मुख्य फोकस से अगर होकर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण जो आप जो देख रहे हो, और ये कह सकते हैं कि ये किरणें बहुत दूर से आ रही हैं, ये अड्डे इसको डॉट डॉट से हम दिखाएंगे, डॉट डॉट करते हुए कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं, ये किरणें जो है अनंत से आ रही हैं। तो ये देख रहे हैं कि जब वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस आ रही। तो दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जा रहा है और ये फोकस तल पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब का नाम क्या है, A'B'।
प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक हो। सबसे पहले क्या बताए थे, आपको पता होना चाहिए स्थान का नाम, क्या पता होना चाहिए स्थान का नाम। तो स्थान क्या हुआ, स्थान हुआ फोकस तल। किस स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस तल पर बन रहा है। फिर कैसा बन रहा है, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। फिर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आपको पता है अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है भैया।